प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेर्कोन्नारु देश राजधानी ढिल्लीलोनी करियप्पा ग्राउंड लो निर्वहिंचिन एनसीसी र्यालीलो प्रधानी पाल्गोन्नारु रक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तो कलिसि क्याडेट्ल नुंचि गौरव वंदन स्वीकरिंचिन मोदी वारितो कासेपु ముచ్చటించారు ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారత్ ను నిలబెట్టాలనే లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి సంకల్పాన్ని బలోపేతం చేసుకోవాలని క్యాడెట్లకు పిలుపునిచ్చారు యువ క్యాడెట్ల కృషి దృక్పథం సామర్థ్యం భారతదేశాన్ని కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్తాయని ప్రధాని పేర్కొన్నారు आज स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हर क्षेत्र में बेटियां अपनी छाप छोड़ रही है। युवा साथियों बेटों और बेटियों के टैलेंट को जब देश बराबरी का अवसर देता है तो उसका टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है। यही तो विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। आज पूरी दुनिया की ताकत भारत के इस टैलेंट पूल पर आज पूरी दुनिया भारत को विश्व मित्र के रूप में देख रही है। भारत के पासपोर्ट की ताकत बहुत अधिक बढ़ रही है। इसका सबसे अधिक फायदा आप जैसे युवा साथियों को हो रहा है, आपके कैरियर को हो रहा है। दुनिया के अनेक देश आज भारत के युवाओं की प्रतिभा को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। युवा साथियों मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये जो